दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर एक बार फिर चुनाव आ गया है और यह चुनाव होगा राज्यसभा का। जब से नायब सिंह सैनी सरकार बनी तो हरियाणा की राज्यसभा सदस्यता के लिए यह दूसरा चुनाव होगा। आपको बता दूं कि पहला चुनाव हुआ था, लोकसभा सदस्य चुने गए थे दीपेंद्र हुड्डा, 4 जून को दीपेंद्र हुड्डा बने थे लोकसभा सदस्य। और उसके बाद में रोहतक से सांसद बनने के बाद, दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा का सदस्य बनने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई थी। उस राज्यसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को अपना नुमाइंदा बनाया, किरण चौधरी कैंडिडेट हुई और वो राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। यानी कि कांग्रेस की सीट जो खाली हुई उसको एक कांग्रेसी, बड़े कांग्रेसी नेता को भाजपा में लाया गया, किरण चौधरी को, और उनको राज्यसभा भेज दिया। दूसरा चुनाव राज्यसभा का हालांकि डिक्लेयर तो नहीं हुआ, कभी भी उसकी घोषणा हो जाएगी चुनाव की, चुनाव आयोग कर देगा। दूसरा चुनाव यूं हो रहा है कि कृष्णलाल पंवार हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य थे, कृष्णलाल पंवार विधायक चुने गए, उनको विधानसभा चुनाव में टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी के बतौर राज्यसभा सदस्य काम कर रहे थे, उनको विधानसभा के लिए टिकट मिला, विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए और आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरियाणा की नायब सरकार में। विधायक बनने के बाद उनका रिजाइन हुआ राज्यसभा से और वो सीट खाली है। अब चर्चाएं चल पड़ी हैं कि उस सीट से कौन जाएगा। जो खाली सीट हुई है राज्यसभा के लिए कृष्णलाल पंवार जी के इस्तीफे के बाद, उस पर भारतीय जनता पार्टी कौन से नेता को चुन करके या कौन से नेता का चयन करके राज्यसभा में भेजेगी। कई नाम चल रहे हैं और मैं भी आपसे चर्चा करूंगा उन नामों पर, और उनमें से 5 प्रमुख नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि सबकी अपनी अपनी समझ हो सकती है, सभी अपने लिहाज से बताते हैं, अपने हिसाब से जो आकलन करके कि कौन हो सकता है और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो हरियाणा से राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का ये तय है कि कैंडिडेट बीजेपी का चुना जाएगा। संख्या बल के लिहाज से 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हैं और 3 विधायक उनके पास इंडिपेंडेंट का समर्थन है। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों विधायक भी समर्थन दे ही देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि इस सीट पर उन्हें जरूरत किसी की पड़नी नहीं है। और इस राज्यसभा की सीट के लिए, यानी कि जो कृष्णलाल पंवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जिसकी चुनाव अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है, जो मैं आपको 5 नाम बता रहा हूं, आप सिलसिले वालों से चर्चा करूंगा आपसे। जिन नेताओं का चयन हो सकता है राज्यसभा के लिए, उनके अंदर जिनकी चर्चा प्रमुखता से चल रही है, उनमें एक नाम है संजय भाटिया, करनाल के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। दूसरा नाम ले तो फिर दूसरा नाम लेंगे उसके अंदर संजय भाटिया पंजाबी समाज से आते हैं, दूसरा नाम लेंगे तो दूसरा नाम उसके अंदर मैं आपको दूंगा कुलदीप बिश्नोई, आदमपुर के पूर्व विधायक चौधरी भजनलाल के साहबजादे, जिनकी राजनीतिक विरासत अब की बार आदमपुर के अंदर मुरझा गई। तीसरा नाम ले तो फिर तीसरा नाम आ जाता है इसके अंदर फिर पंजाबी समाज से, तरुण भंडारी। आपको नाम चौंकाएगा लेकिन मैं तरुण भंडारी के पीछे भी आपको बताऊंगा कि उनके नाम चलने के पीछे कौन सी रणनीति है। चौथा नाम अगर लेंगे तो चौथा नाम आ जाता है फिर जाट समाज से, कैप्टन अभिमन्यु, अभी हाल ही में चुनाव हार गए नारनौन से, 2019 में भी हारे और 2024 का भी हार गए, 2014 में विधायक बने थे, मिनिस्टर फाइनेंस हुए थे हरियाणा के। और पांचवा नाम ओम प्रकाश धनखड़, ओपी धनखड़, वो भी अभी बादली से चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, 2019 में भी हार गए थे और 2024 में भी हार गए। मैंने आपको सबसे पहले नाम दिया संजय भाटिया का। संजय भाटिया के बारे में अगर आपको बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी के वो कैडर बेस कार्यकर्ता रहे हैं, करनाल के सांसद रहे हैं, उससे पहले कई बार विधानसभा का टिकट मिला था, चुनाव हारे भी थे, लेकिन जब मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी की हवा बनी तो फिर संजय भाटिया उसके अंदर सांसद बड़े आराम से चुने गए, 2019 में सांसद बने थे, 2024 के चुनाव के लिए उनको टिकट नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा से प्रमोशन होकर के केंद्र में भेजा गया उनको, तो उस दौर में नाम चला था कि क्या नायब सिंह सैनी के स्थान पर संजय भाटिया प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। संजय भाटिया इस समय कहे तो बिना किसी दायित्व के हैं आजकल, कभी संगठन में प्रदेश महामंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ के संजय भाटिया उस दौड़ में पिछड़ गए थे,
फिर चर्चाएं थी कि उनको टिकट मिल सकता है विधानसभा का करनाल या पानीपत, वो भी नहीं हुआ, उनको विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला। पिछले दिनों जब नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था देखने में संजय भाटिया सबसे आगे थे। अब चर्चाएं हैं कि उनको जो करनाल की लोकसभा सीट उन्होंने छोड़ी मनोहर लाल जी के लिए, और इसके साथ साथ उनको जो ना कोई प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई प्रदेश संगठन में और ना कोई विधायक वाला कोई पद नहीं मिला, तो क्या संजय भाटिया को राज्यसभा में भेज करके पंजाबी कोटे से भी एक पूर्ति कर ली जाएगी? बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता जो सीट थी वो भी उन्होंने छोड़ी और उनको अगला भी कोई स्थान कहीं नहीं मिला। जो सबसे प्रमुखता से, गंभीरता से नाम है संजय भाटिया का, उसके पीछे मैंने आपको कारण बताए, पंजाबी समाज प्लस आरएसएस बैकग्राउंड, बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता और 2024 के चुनाव में सांसद की टिकट छोड़ने वाले, यानी कि उनको टिकट नहीं मिला, आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा मैंने आपसे नाम कहा था कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर के पूर्व विधायक, हरियाणा के वेटिंग सीएम रहे हमेशा, चौधरी भजन लाल के साहबजादे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन वजीर नहीं बने, ना केंद्र में ना राज्य में। 2009 का चुनाव हो चाहे उसके बाद का चुनाव हो, उम्मीद थी उनको मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहे, हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन भी किया, चौधरी भजन लाल की राजनीतिक विरासत को खूब अच्छे से संभाला साधा भी, लेकिन 2024 आते आते वो सारे स्वप्न धूमिल हो गए। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर से विधानसभा का टिकट मिला था, हालांकि उपचुनाव तो जीत गए थे लगभग 1.5-2 साल पहले, अब जब आम चुनाव हुआ तो इस चुनाव के अंदर हार गए, और चुनाव हार गए वो चंद्र प्रकाश आईएएस से, कभी उन्हीं के परिवार के नजदीक रहा था चंद्र प्रकाश का परिवार। राजनीतिक विरासत चौधरी भजनलाल की पूरी तरह से अगर मैं कहूं, चंद्रमोहन बिश्नोई विधायक जरूर हैं, कभी अगले वीडियो में आपसे मैं बात जरूर साझा करूंगा, लेकिन भव्य बिश्नोई के चुनाव हारने के बाद चौधरी भजनलाल की विचारधारा के नाम पर राजनीति करने वाली विरासत आदमपुर में मुरझा गई। कुलदीप बिश्नोई बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि उनका भी नंबर लग सकता है, कभी राजस्थान के सह प्रभारी बने, कभी हरियाणा की चुनाव कैंपेन कमेटी के सदस्य बने, विधानसभा की टिकटें भी अपने लोगों को दिलवाई, भले ही जिता नहीं पाए, केवल रणधीर पनिहारी जीते, लेकिन इस सबके बावजूद कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं। तीसरा मैंने आपको नाम बोला था तरुण भंडारी का। पंचकुला के नगर निगम के मेयर रहे हैं तरुण भंडारी। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांचे में पूरी तरह से फिट हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में गए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया, उनका मीडिया का कामकाज बड़े अच्छे से देखते हैं, हरियाणा के जो पब्लिसिटी मैनेजमेंट का उनका पोस्ट बनी हुई है उनको वो मिली हुई है, पब्लिसिटी में इवेंट देखने का शायद उनके पास काम है। इसके साथ साथ तरुण भंडारी के बारे में आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब सुक्खू की सरकार को गिराने की जो ऑपरेशन लोटस चल रहा था तो उसकी बड़ी कमान तरुण भंडारी के हाथ में थी। मैं तरुण भंडारी का फेसबुक पेज भी देख रहा था, उसके अंदर कई सारे ऐसे आपको दिख सकते हैं उनकी फोटोज, इमेज, और आप देख सकते हैं कि तरुण भंडारी भारतीय जनता पार्टी में मोदी शाह से लेकर के नायब मनोहर कहां तक अपनी जड़ें बनाए हुए हैं। राजनीतिक लोग कहते हैं कि तरुण भंडारी, जो मैंने आपको बताया कि भाजपा के सांचे में पूरी तरह से फिट बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय हो चुका उनको, मनोहर पार्ट टू की सरकार के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिली थी और उसके अंदर अपने उस ज्वाइनिंग के बाद में अपने उन्होंने हनर का प्रदर्शन खूब बेहतरी से, खूब बढ़िया तरीके से किया। तरुण भंडारी के नाम की चर्चाएं वैसे ही नहीं है, चर्चाएं ये थी कि उनके लिए भी विधानसभा की टिकट की बात थी, वो पूरी नहीं हुई, और इसके साथ साथ एक चर्चा ये है कि उनको किसी बड़े ओहदे पर ले जाया जाना है, तो क्योंकि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, इसलिए राज्यसभा की सीट पर तरुण भंडारी का चयन भी हो जाए, नाम चौंका तो सकता है आपको, लेकिन ये जरूर मान करके चले कि ये नाम भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उनकी नजर में जरूर आगे है। मुझे भी बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात भी हो रही थी पिछले दिनों, तो बता रहे थे कि तरुण भंडारी के फेवर में कौन से फैक्टर हैं। खैर, तीसरा मैंने आपको नाम दिया तरुण भंडारी का। चौथा मैंने आपको नाम कहा था कैप्टन अभिमन्यु, नारनौंद के पूर्व विधायक, हरियाणा सरकार के पूर्व वजीर, कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर फाइनेंस, हरियाणा भाजपा में और देश के अंदर भाजपा के संगठन में कई बड़े पदों पर रहे। हिसार की लोकसभा टिकट चाहते थे, नहीं मिली थी, नारनौंद का टिकट मिला, अब की बार भी चुनाव जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए, जस्सी पेटवार ने चुनाव हरा दिया,
चुनाव हारने के बाद से अपने कहीं ना कहीं जमीन खोज रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। दो बार विधानसभा का चुनाव हारने के बाद आप ऐसे ही कहें तो बड़े नेताओं की जो छवि होती है उसको काफी डेंट पहुंचता है। अभिमन्यु लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, रोहतक से कभी सांसद नहीं बन पाए थे और एक बार विधायक बने सिर्फ, जो इलेक्ट्रल उनका राजनीति है उसके अंदर एक बार विधायक बने। अब अभिमन्यु भी इस जुगाड़ में है, जुगत में है कि जो राज्यसभा की खाली सीट हुई है कृष्णलाल पंवार की, उनके स्थान पर कहीं उनका जुगाड़ सेट हो जाए, वो पहुंच जाए। और पांचवा है, मैंने आपसे नाम कहा, ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। ओपी धनखड़ साहब के बारे में भी कह दूं, सीएम वेटिंग तो कोई अतिशयोक्ति की बात तो शायद आपको नहीं लगनी चाहिए। 2014 में एक बार विधायक बने थे, उससे पहले चुनाव हारते रहे थे, 2014 में चुनाव जीते थे बादली से, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे, पंचायत में विकास मंत्री, कृषि मंत्रालय, बढ़िया डिपार्टमेंट रहे उनके पास। हलक थी ओपी धनखड़ साहब की, लेकिन वो हलक जनता ने तोड़ दी, 2019 का विधानसभा चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनको वजारत तो नहीं मिली क्योंकि चुनाव हार गए, तो फिर बन गए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उनके वो वीडियो कई वायरल हुए जिसके अंदर वो लोगों से जाके कहते थे अपने क्षेत्र में जाकर के बादली में कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है ये दो नंबर की कुर्सी, ये तो मिल गई भाजपा वाला कमान ने दे दी, एक नंबर की कुर्सी यानी कि मुख्यमंत्री वाली कुर्सी मिल जाएगी, आप बस विधायक बना दो। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि वो दिन भी आपको जरूर ध्यान होगा, ओम प्रकाश धनखड़ साहब का जब प्रदेश अध्यक्ष पद से रुखसती हो रही थी तो उससे दो तीन दिन पहले उनका जन्मदिन था और उस जन्मदिन के आयोजन को बहुत भव्य तरीके से मनाया गया था और उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात भी उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों ने चलाई थी। लेकिन वो छोड़ो, साहब धनखड़ साहब की प्रदेश अध्यक्ष पद से भी छुट्टी हो गई, उसके बाद बने वो राष्ट्रीय सचिव। राष्ट्रीय सचिव रहते उनके पास लोकसभा चुनाव में दिल्ली का प्रभार भी था जहां पे सातों सीटें बीजेपी जीत गई, विधानसभा का चुनाव खुद अबकी बार भी हार गए। ओम प्रकाश धनखड़ साहब जेपी नड्डा और मोदी शाह की जोड़ी के भी नजदीक है, पुराने खांटी नेता हैं और इस राज्यसभा की सीट को क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक राजनीति के अंदर तो कामयाब हो नहीं पाए, मात्र एक बार विधायक बने, अब राज्यसभा की सीट पर नजर है। तो हरियाणा की जो एक राज्यसभा सीट खाली, इकलौती राज्यसभा सीट हुई है, उसके लिए मैंने आपको पांच नाम बताए, संजय भाटिया, दूसरा नाम मैंने आपको बताया कुलदीप बिश्नोई, तीसरा मैंने आपको नाम बताया तरुण भंडारी और चौथा आपको मैंने नाम बताया कैप्टन अभिमन्यु और पांचवा ओम प्रकाश धनखड़। आप हमारी बात से कितना सहमत हैं, इनमें से कोई चेहरा राज्यसभा में जाएगा और या फिर कोई और नया नेता होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।